नमस्कार, न्यूज फ्रेस्ट के खास कार्यक्रम इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और इनसाइट में हम बात करते हैं चर्चित मुद्दों की, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है उसकी और उसके क्या परिणाम हैं उन सब की। बनते बिगड़ते समीकरण हो या फिर सत्ता के गलियारों की उठापटक, इन सब पर नजर डालते हैं इनसाइट में। लेकिन फिलहाल इन सब से अलग हटकर इस बार विषय है कोरोना, क्योंकि इस समय ये वैश्विक बीमारी सब जगह छाई हुई है और हिंदुस्तान भी उसका सामना कर रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और मन की बात में भी कोरोना का मुद्दा छाया रहा। उनकी चिंता का विषय था कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होकर अपने आप को सामाजिक दूरी बनाकर इससे मुकाबला करना होगा। मोदी ने मन की बात में नवरात्रा से लेकर और सामाजिक दूरी तक पर जोर दिया, तो साथ ही उन्होंने मोटिवेट किया सब लोगों को कि आखिरकार वे किस तरह से सामाजिक दूरी बनाने के दौरान अपने आप को व्यस्त रखें। उन्होंने ये भी बताया कि वे क्या कर रहे हैं इन दिनों, उसका भी वे वीडियो और उनके चित्र देंगे और उसका लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने सीधा इशारा किया योग की तरफ और कहा कि योग वे करते हैं लेकिन वे इसके टीचर या एक्सपर्ट नहीं हैं, वे इसके प्रैक्टिसनर हैं। कुल मिलाकर के मोदी जी ने आज मन की बात के साथ जन की बात भी की। उन्होंने एक चिकित्सक से भी बात की और उनके अनुभव साझा किए। मोदी जी की मन की बात हो या फिर देश को संबोधन हो, सबसे बड़ी जो बात है और जो कमी है वो ये है कि आखिरकार मोदी जी लोगों के साथ उनके उन कदमों पर बात करते कि उनका दर्द किस तरह से कम किया जा सकता है। चिकित्सकीय सामाजिक दूरी की बात जो हम लगातार चिकित्सा विभाग कह रहा है या चिकित्सक कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं, लेकिन जिस बात के लिए लोगों को सुनना है, जिस बात से उनका दर्द कम हो सकता है, वो है इस समय सड़कों पर बदहवास दौड़ती मजदूरों की भीड़, पलायन करती उस भीड़ के लिए कोई बात नहीं की। आखिरकार इस बदहवास भीड़ को किस तरह रोका जाए और किस तरह से इस भीड़ के चलते सामाजिक दूरी का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा और इस लक्ष्य के जरिए कैसे जीतेंगे हम कोरोना की जंग, किस तरह से उनके जो भूख उनको सता रही है और भूख के पेट वो जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं उसके लिए किस तरह से इंतजाम सरकार कर रही है। लेकिन वो इंतजाम उनको साझा करने चाहिए, उनको बताने चाहिए थे, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए था कि आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके साथ है, आपके खाने रहने और दूसरे तरह की जो भी दिक्कतें हैं सरकार उनमें आपके साथ खड़ी है, आपको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन वो जो बात लोग सुनना चाह रहे थे वो बात शायद लोगों को खल रही है कि उससे ज़्यादा मोटिवेट होते लोग कि जब प्रधानमंत्री उनसे बात करते कि सड़कों पर आप यूं मत निकलिए, अगर आप निकल रहे हैं तो हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर कदम की हमें परवाह है, आपकी भूख की हमें परवाह है, इस समाज को परवाह है, इस देश को परवाह है, आप निश्चिंत रहिए, आप इस समय बदहवास से अपने गंतव्य की ओर दौड़ मत लगाइए, झुंड में इकट्ठे मत रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरह का अगर वो इस बात का यहां ताकीद करते जिस दिन उन्होंने देश को संबोधित किया, उस दिन भी शायद अगर वो इन कदमों पर बात करते, लोग क्या करेंगे वो तो अच्छी बात है, उन्होंने बताया लोग वैसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या करेगी अगर वो उन कदमों को भी स्पष्ट कर देते उसी दिन, अगर वो ये बात करते कि गरीब को रोटी के लिए भूखा नहीं रखा जाएगा, गरीब को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा जैसा राजस्थान सरकार ने निकाला, आपको जो आपकी आर्थिक जरूरतें हैं, जो आपकी अदायगी है ऋणों की, जो दूसरे चीजों की अदायगी है बिलों की, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए सरकार कुछ करने जा रही है, तो यकीन मानिए कि इस तरह की अफरा तफरी नहीं मचती। जिस तरह से अचानक से घोषणा करने से जिस तरह से एक बदहवासी सी लोगों के अंदर हुई शायद वो नहीं होती। हमें उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए था कि आप निश्चिंत रहिए सरकार कर रही है, लेकिन कर रही है उसको पहले बोल देती तो ऐसा नहीं होता जो हुआ। जिस तरह की लाइनें लगी, जो एक दिन पहले जनता कर्फ्यू में लोगों ने संयम दिखाया, जिस तरह से लोगों ने जनता कर्फ्यू में उनकी एक आवाज पर घंटियां बजाकर उन चिकित्सकों का, उस टीम का मनोबल बढ़ाया जो इस युद्ध में योद्धा की तरह डटे हुए हैं, उसी तरह शायद वो संयम के साथ और खड़े होते, लेकिन जरूरत थी थोड़ा सा उन कदमों को पहले जाहिर कर देने की जो प्रधानमंत्री ने बाद में किया, जो सरकारों ने बाद में किया। ईएमआई को टालने की बात थी पहले कह देते,
इतनी आफादाफी नहीं होती, लोगों की चिंता नहीं रहती। उसी तरह से अगर बिलों की बात थी या उनके जो दूसरे तरह के उनको सुविधाएं देने की बात थी, उनको अगर पहले कह देते तो शायद इस तरह का नहीं होता। उनके घरों में उनको जरूरत की सामान मुहैया होगी, ये सरकार सुनिश्चित कर देगी, इस बात की अगर उन्हें विश्वास दिला देते तो इस तरह से दुकानों के बाहर, राशन की दुकानों के बाहर भीड़ ना जुटती और वो जो श्रृंखला टूट गई थी संक्रमण की, शायद वो बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती। अगर वो मजदूरों को भी संबोधित करके, अगर वो गरीब तबके को संबोधित करके ये विश्वास उसी दिन दिला देते कि आप जहां हैं वहां रहें, अगर आप जाना चाहेंगे हम उसके लिए योजना तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से हम आपका ये सफर आसान करेंगे, हम योजनाबद्ध तरीके से आपके तक पहुंच रहे हैं और राशन की कोई कमी नहीं आप तक पहुंचेगी, हमारे अधिकारी हमारे स्वयंसेवी संगठन के लोग आप तक पहुंचेंगे, हमने सारी व्यवस्था कर ली, तो शायद लोग इस तरह से घरों से बाहर नहीं निकलते। लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और जितना कर सकते थे उतना सरकार कर रही है, उसके लिए सरकार बहुत साधुवाद की पात्र है। लेकिन उसके साथ साथ जरूरत थी कि ये जो संयम तोड़ा लोगों ने वो ना टूटता, अगर ये सब बात उस दिन होती उस पर फोकस ज्यादा होता कि सरकार ऐसा करने जा रही है, ना व्यवसायी बहुत ज्यादा परेशान होते, ना मध्यम वर्ग ज्यादा परेशान होता और ना गरीब तबका घर छोड़कर बाहर जाता। अब बार बार जिस तरह के आदेश राज्य सरकारें और केंद्र सरकार निकाल रही है, मजदूर को चिंता क्या है? मजदूर को चिंता यह है कि उसका मकान मालिक अगर वो रुका रहा तो किराया मांगेगा, अगर वो यहां रुका रहा तो वो क्या खाएगा, अगर वो यहां से नहीं निकला तो वो अपने गांव भी नहीं पहुंच पाएगा, कभी कर्फ्यू भी लग सकता है। ऐसी आशंकाओं को उन्हें पहले ही ताड़ के उन लोगों को बताना चाहिए था, उसके सॉल्यूशंस देने चाहिए थे, तो शायद ये नहीं होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत ही गंभीरता के साथ और उन्हीं के प्रयास हैं कि इस समय देश एक मजबूत स्थिति में खड़ा है कोरोना की जंग में। ये बात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की, उनके देश के संबोधन की बात की। लेकिन एक और बात जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार सक्रियता दिखाते हुए दिखाई, उसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। उन्होंने जिस तरह से प्रारंभिक काल में ही कोरोना के खिलाफ अपने हाथ में पूरा मोर्चा लिया और वे खुद जुट गए इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करने में और एक एक कदम सदा हुआ उन्होंने रखा, उसके लिए वे इस समय सारे देश में पहचाने जा रहे हैं, सारे देश में उन्हें प्रशंसा मिल रही है। और वो ये कि हर छोटे बड़े कदम को देखकर सरकार पहुंच रही है, गरीब को गणेश मानकर उसके दरवाजे तक जिस ढंग से सरकार के अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं, स्वयंसेवी संगठन पहुंच रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि सरकार ने एहतियाती कदम बहुत पहले उठा लिए थे। और जिस ढंग से मुख्यमंत्री रोजाना दिन प्रतिदिन की जो कार्यशैली है या जो बातें आ रही है फील्ड से उनकी समीक्षा कर रहे हैं, उससे शायद ये प्रभावी नियंत्रण है कि राजस्थान की स्थिति बेहतर है। जिस तरह से मजदूरों ने पलायन शुरू किया उस पर भी मुख्यमंत्री ने एक ही दिन की फीडबैक में तत्काल निर्णय लिया और उन्होंने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं कि उन्होंने भी इस निर्णय को हाथों हाथ लेकर किया कि राजस्थान रोडवेज की बसें इन सड़कों पर दौड़ रहे श्रमिकों को, गरीबों को, मजदूरों को उनके बॉर्डर तक पहुंचाएगी। एक बहुत बड़ा कदम था। क्या था कदम, आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्काल आदेश जारी कर जो मजदूर सड़कों पर पैदल अपने राज्य, अपने गांव और शहर के लिए जा रहे हैं उन्हें तत्काल रोडवेज की बसें उनके राज्य के बॉर्डर तक छोड़कर आएगी। इस फैसले के बाद अब लगातार परेशान होते लड़खड़ाते कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते इन मजदूरों को तिनके का सहारा मिल गया। यूं कहिए कि इनके लिए भगवान मिल गया। हाईवे पे लंबी कतारों के बीच चलते इन मजदूरों की मजबूरी आए रोज अखबार और टीवी चैनल में सुर्खियां बन रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय के बाद अब राजस्थान रोडवेज की बसों से इन्हें पहुंचाया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की बस डिपो के प्रबंधक इस बात को तय करेंगे कि उनके क्षेत्र से निकलने वाली सड़कों पर जो मजदूर जा रहे हैं वे पैदल सफर तय ना करें और उन्हें तत्काल रोडवेज की बसों से उनके
बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। इस फैसले की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। अब तक हर हाईवे और हर सड़क पर अपने अपने झुंडों में मजदूर जाते दिखाई दे रहे थे। मजदूरों के पैरों में सूजन और पेट में भूख से तड़फते लोग साफ नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद जहां उन्हें स्वयंसेवी संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन उपलब्ध करवा देगी, तो वही राजस्थान रोडवेज उनकी मंजिल का सफर आसान कर देगी। उधर राजस्थान सरकार के उठाए इन कदमों की सराहना अब बड़े नेता भी करने लगे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके कदमों की सराहना की, तो उधर मध्य प्रदेश के बड़े नेता दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली के कायल हो गए और उन्होंने मध्य प्रदेश के मजदूरों को उनके बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया। इन तीन दिनों में जो खास दिक्कत आ रही है वो यही है कि लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 23 तारीख को ही निर्णय ले लिया था कि कंट्रोल की दुकानों से लोगों को एडवांस में 3 महीने का अनाज मिलना चाहिए, लेकिन कंट्रोल की दुकानों पर अनाज भी नहीं है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत यह भी आ रही है, कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं। अब उदाहरण के लिए मेरे पास जो भी 60-70 आवेदन आए हैं, उनमें से लगभग 100 मजदूर मध्य प्रदेश के जैसलमेर में फंसे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने वहां व्यवस्था की है, लेकिन सरकार को इस बारे में पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो अपने गंतव्य स्थान पर घर पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था करें, लेकिन एहतियात के रूप में इतना जरूर ध्यान रखें कि उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, जो नेगेटिव टेस्ट है उनको वापस घर भेज देना चाहिए, और जो पॉजिटिव टेस्ट इनका आता है उन्हें क्वारंटीन यहीं पर ही करना चाहिए 14 दिन के लिए, उसके बाद ही भेजना चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है अच्छा पैकेज है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है, इसलिए सारे नियम कानून और लाल फीताशाही से ऊपर उठकर तत्काल व्यवस्था करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना। यहाँ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सब प्राण प्रण से जुटे हैं कोरोना के खिलाफ इस जंग में, और इस जंग में अब आम आदमी भी शामिल हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब आम आदमी उठा लेता है अपने हाथ में उस जंग के लिए हथियार, तो उस जंग को जीतना मुमकिन हो जाता है, और अब जीत सुनिश्चित है, क्योंकि गांव-गांव शहर-शहर में अब आम आदमी हो या स्वयंसेवी संगठन, अब उन्होंने जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके लिए वो निकल पड़े हैं और कमान उन्होंने अपने हाथ में भी ले ली है। कुछ ऐसे सुखद उदाहरण जिनसे लगता है कि तस्वीर ये भारत की कुछ अलग है। उदयपुर में एक अध्यापिका अपने घर पर लगातार मास्क सिलकर अपनी छोटी सी बेटी के साथ लगातार मास्क सप्लाई कर रही हैं, इस बात के लिए कि इस बीमारी पर कैसे रोक लगे। उदयपुर के ही एक पुलिस अधिकारी अपने मोहल्ले में और आसपास की जगहों से सामान इकट्ठा करके और वहां मैस की तरह से वहां सामान और वो खुदरा व्यवस्थाओं को करके वो पहुंचा रहे हैं जगह जगह पैकेट, और लगे हुए हैं प्राण प्रण से। तो उधर कुछ जगह पे, चाहे वो झालावाड़ हो या पाली हो, कहीं महिला सरपंच मास्क सिलती नजर आ रही है, तो कहीं पर सरपंच खुद अपने घर पर खाना बनवा कर बांट रहे हैं। उधर सीकर में एक सामाजिक नेतृत्व करने वाले हनुमान सिंह पालवास लगे हैं अपने ही स्तर पर ट्रैक्टर पर रखकर कोरोना के खिलाफ जंग में जगह जगह स्प्रे करने में। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो अब बताते हैं कि लोग खुद निकल पड़े हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार के साथ। बहरहाल ये था कार्यक्रम इनसाइट, हम फिर हाजिर होंगे कुछ अपडेट्स के साथ।